हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। स्वागत भाई आपका आज के इस नए वीडियो में। अभी भाई आपको सामने देख के पता चल रहा होगा भाई कि कोलकाता में मॉनसून आ चुकी है। मॉनसून आने के बाद भाई पूरा रोड पे भाई पानी वगैरह जाम हो गया है, लेकिन इसमें भाई हम लोग निकल चुके हैं टाटा के शोरूम की तरफ। टाटा की सफारी का भाई हम लोग आज टेस्ट ड्राइव लेने वाले, और एक भाई को लेनी है, तो भाई उसके बारे में आपको भी पता चल जाएगा कि भाई टाटा की सफारी और XUV 700 और स्कॉर्पियो एन, इन तीनों के बीच में भाई अगर आप भी कोई गाड़ी लेने में कंफ्यूज हो रहे हो तो आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है। वैसे देख सकते हो भाई पानी ऐसा जमा हुआ है, यहाँ पे पानी ऐसा जम गया है ना, और बगल में भाई नाली है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम लोग इस रोड से डेली आते हैं, तो अपनी गाड़ी को भाई यहाँ से निकालना एक बहुत ही बड़ा टास्क रहता है। पर धीरे धीरे भाई यहाँ पे पानी अभी वो खाली हो जाएगा, अभी बारिश हुई है ना, अभी मॉनसून आ चुका है, तो कोलकाता में भाई आपको हर जगह ऐसे कहीं ना कहीं ये सीन्स देखने को जरूर मिलेगा। तो चलते हैं भाई सबसे पहले सीधा पेट्रोल पंप। गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो पहले पेट्रोल फुल करवा लेते हैं, उसके बाद भाई आगे निकलते हैं। तो जैसा कि अभी देख सकते हो भाई अपने पास है ये टाटा जेस्ट, इससे हम लोग जा रहे हैं, और भाई अभी टाटा की गाड़ी से अभी टाटा की गाड़ी पे स्विच करने वाले। सफारी के बारे में उनका प्लान चल रहा था, तो वही भाई टेस्ट ड्राइव वगैरह और गाड़ी को देखने के लिए जा रहे हैं। डार्क एडिशन ही सबसे बेस्ट रहता है, तो यहाँ पे भाई इसकी टैंक फुल होने के बाद ना भाई काफी अच्छा इसका आपको रेंज निकल के आता है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो भाई गाड़ी की जब टैंक फुल हो जाती है 800 के आसपास की रेंज निकाल के दे देती है। ये डीजल वाली टाटा जेस्ट है भाई, इसका मैंने सबसे पहले मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो सबसे पहले मैंने इसकी ही वीडियो बनाई थी। तो अभी चलते हैं भाई, मौसम तो काफी अच्छा है, यहाँ पे बारिश की संभावना है। बाकी आगे यहाँ पे सामने आपको दिख रहा होगा दक्षिणेश्वर टेम्पल है, अपने घर से भाई सबसे नजदीक में है, और आगे आपको भाई बाली ब्रिज भी दिखेगी जहाँ पे भाई गंगा जी के दर्शन हो जाएंगे। तो ये जो टाटा वाला शोरूम है ना, ये भाई अपने घर से 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस पे। वैसे तो बहुत सारे शोरूम है, टाटा का शोरूम एक और है जो 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सर्विस सेंटर भी, लेकिन भाई हम लोग इस शोरूम में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भाई टेस्ट ड्राइव व्हीकल अवेलेबल है टाटा की सफारी, और यहाँ पे भाई बहुत सारे, मतलब आप टाटा की कोई भी गाड़ी लेने जाओगे ना तो अपना वहाँ पे थोड़ा मतलब डिस्काउंट वगैरह भी सब कुछ वो लोग कर देते हैं बढ़िया से, इसलिए भाई वही शोरूम जाते हैं, वहीं पे अपना मन लगा हुआ रहता है। तो चलिए सीधा मैं आपको मिलता हूँ टाटा के सफारी के पास। तो ये भाई अपने सामने टाटा की सफारी आ चुकी है, टॉप एंड वेरिएंट है ये, तो चलिए इसका भाई टेस्ट ड्राइव वगैरह लेते हैं और आपको इस गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि भाई इसमें क्या क्या अच्छा लगता है मेरे को, जो कि XUV 700 और स्कॉर्पियो एन से इसे अलग करता है। तो सबसे पहले भाई इसका जो इंटीरियर है ना, इसका जो कॉकपिट बनाया गया काफी प्रीमियम, बोनट की विजिबिलिटी भाई इतनी अच्छी है ना कि गली वगैरह में भी आप गाड़ी को एकदम आराम से निकाल सकते हैं। और टाटा की गाड़ी है और ब्लैक एडिशन जब हो जाए ना, लोग भाई इसकी जो रोड प्रेजेंस है ना गजब है, मतलब लोग इसे देख के ही गाड़ी से मतलब साइड हट जाता है यार। गाड़ी में भाई टाटा का जो लोगो है ना ग्लो करते हुए आता है। इसकी नई वाली जो 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील है वो आप देख सकते हो, काफी मतलब ब्लैक पियानो फिनिश में काफी अच्छी लग रही है। बाकी टॉप एंड वेरियंट है तो इसमें पूरा भाई डिजिटल आपको MID वगैरह सब कुछ मिलती है। बाकी गाड़ी का इंटीरियर एक बार देख सकते हो यार, तो गाड़ी तो काफी मतलब रेंज रोवर के प्लेटफॉर्म पे बन रही है, तो गाड़ी तो काफी प्रीमियम बनती है। स्कॉर्पियो एन से अगर आप इसे कंपेयर करोगे ना भाई, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। स्कॉर्पियो एन में आपको भाई बेसिक सा सब कुछ मिलता है, एक बेसिक सा सनरूफ मिलता है, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम वही मिल जाता है आपको घिसा पिटा हुआ, जो भाई महिंद्रा वाले यूज करते हुए आ रहे। इसमें भाई ये आप कैमरा देखो, मतलब इसका मतलब मॉनसून में जो हरियाली दिख रही है ना कैमरा में, मतलब 360 डिग्री कैमरा होने का भाई इसके टॉप एंड वेरियंट का यही फायदा है। और अडास भी इस वेरियंट में आता है, तो 360 डिग्री कैमरा का भाई पूरा एकदम आपको लुक मिल जाता है। यहाँ पे भाई आपको ड्राइविंग मोड्स वगैरह मिल जाते हैं, एसी के टेम्परेचर को एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ऑटो एसी का फीचर मिलता है, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं। साथ ही में भाई यहाँ पे आपको कोई फिजिकल बटन नहीं दी गई, ये पूरा टच है भाई, और एम्बिएंट लाइट तो भाई आपको दिख रही होगी वीडियो में। और मेन एक और चीज है ना जिसपे मेरा दिल आ जाता है, वो है भाई इसकी पैनारोमिक सनरूफ। मतलब इतनी बड़ी सनरूफ यार, 2 BHK का फ्लैट का मतलब सनरूफ दिया गया, इसमें 2-3 बंदे आराम से बाहर आ जाएंगे। और भाई पूरा एक बार मतलब देख सकते हो बोनेट विजिबिलिटी क्या सही है, मतलब गली वगैरह में भाई गाड़ी की हम लोग टेस्ट ड्राइव लेते हैं क्योंकि उसमें भाई गाड़ी के बारे में पता चलता है, फिर हाईवे पे भी लेके जाते हैं क्योंकि उसमें भाई प्रोज एंड कॉन्स सब उसमें समझ में आ जाते हैं, स्टीयरिंग का फीडबैक समझ में आता है, सस्पेंशन समझ में आता है, ब्रेकिंग वगैरह समझ में आ जाती है। क्योंकि भाई अगर आप 30 लाख रुपए लगा रहे हो ना, ये देखो इसका कैमरा, मतलब कि गजब यार, मतलब बहुत ही इतना क्लियर व्यू है ना, बगल में जैसे टोटो लगी हुई, ये देखो भाई आंख से उतना HD क्लियर नहीं आता जितना भाई ये कैमरा क्लियरिटी निकाल के देता है। और ये सब जो भाई टच जो दिए हुए ना बटन से एकदम, वो तो और भी सही है, मतलब बटन वगैरह का कुछ झमेला नहीं, टच करो भाई काम करते रहेगा आपका। बाकी भाई गाड़ी में पावर की कोई भी कमी नहीं है, ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है, ऑटोमेटिक वाला है भाई, जिसकी एक्स शोरूम की बस आपको 28 लाख के आसपास पड़ती है। और एम्बिएंट लाइट देख सकते हो, इसे भाई अपने आप मूड के अनुसार चेंज कर सकते हो, सॉन्ग के अनुसार चेंज कर सकते हो। ORBM में भाई आपको पीछे से अगर कोई व्हीकल आएगी ना ज्यादा, वो मतलब क्लोज होकर निकालेगी, वो भी भाई आपको यहाँ डिटेक्ट करके आ जाता है। एक और चीज है जो भाई इसमें आपको स्कॉर्पियो एन से अलग करती है और XUV से अलग करती है, वो भाई इसका पैडल शिफ्टर। इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, मतलब गाड़ी आप भाई मैनुअल भी चला सकते हो, ऑटोमेटिक वैसे भाई चला रहे थे, अभी ये मैनुअल गाड़ी को टान के देखेंगे भाई इसमें क्या पावर वगैरह सब कुछ निकल के आती है। तो गाड़ी को भाई मैनुअल चलाने का मतलब, जो लोग मैनुअल के शौकीन होते हैं ना उनका भाई अलग है, लेकिन भाई को ऑटोमेटिक चलानी है, मतलब ऑटोमेटिक ही गाड़ी लेनी, इसलिए वो ऑटोमेटिक ले रहे। लेकिन इसका पैडल शिफ्टर भी अभी टेस्ट करके आपको बताता हूं, मतलब गाड़ी को एक बार टान के देखते हैं तो भाई काफी अच्छा इसका इंजन नॉइज वगैरह आता है अंदर, मतलब इतनी अच्छी इंसुलेशन की गई है ना इसके बोनेट पे की उतनी नहीं आती, गाड़ी भाग रही है भाई, लेकिन आपको वीडियो में जैसा पता लग रहा हो, लेकिन नॉइज वगैरह अंदर वैसे कुछ नहीं आती है।
बाकी भाई इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, इसमें आपका एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नेविगेशन वगैरह, इतना मतलब लाइट और स्मूथ चलता है ना कि मतलब आप इसके फैन हो जाओगे। मतलब सिंगल टच और टच वगैरह का जो रिस्पॉन्स है ना, काफी अच्छा है। और सबसे बढ़िया तो भाई इसका 360 डिग्री कैमरा, वो मैं एक बार और आपको ऑन करके दिखाऊंगा आगे। अभी भाई देख सकते हो गाड़ी का जो सस्पेंशन वगैरह है, मतलब सफारी में भाई बहुत सारा इंप्रूवमेंट किया गया। पुरानी वाली सफारी और इस सफारी में भाई बहुत अंतर है। वैसे तो सफारी की मैंने पहले भी वीडियोज बना चुका हूँ, लेकिन इस बार भाई गाड़ी को पहली बार मतलब एक को पैसेंजर की तरफ बैठ के फील कर पा रहा हूँ कि भाई गाड़ी सही है कि नहीं, क्योंकि भाई वैसे आप जज कर पाते हो। अभी मैं आपको इसका फिर से भाई एक बार इसका कैमरा का क्वालिटी दिखाता हूँ, जिसपे भाई मतलब एकदम दिल आ जाता है। क्या कैमरा दिया गया है यार, मतलब ये देखो यार, मतलब घर वगैरह मतलब आपके बगल में क्या है वो आपको आंखों से नहीं दिखेगा भाई, लेकिन इस कैमरे में भाई सब कुछ दिख जाएगा। मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर जैसा पूरा लगता है, DSLR का कैमरा भाई इसमें टाटा वालों ने लगा के दिया है। अब भाई गाड़ी को लेके चलते हैं थोड़ा हाईवे की तरफ, क्योंकि भाई इसकी गली में तो हमने चला के देख ली गली में क्या रिस्पॉन्स है। अब गाड़ी को लेके चलते हैं हाईवे की तरफ। गली में भाई यही समझ में आया कि सस्पेंशन इसका काफी अच्छा है, बंपर्स वगैरह पे उतना ज्यादा अंदर फील नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे एक बंपर है ना, तो ये आप देख सकते हो भाई, कैमरा अगर जस्टिफाई कर पाए तो मतलब काफी सॉफ्ट एकदम सस्पेंशन है, मतलब बीच का सस्पेंशन है, जिससे आपको थकावट वगैरह उतनी नहीं होगी। बाकी गाड़ी में भाई पावर की तो कोई कमी नहीं है, टाटा की सफारी है यार, खेला थोड़ी है। और यहाँ पे भाई इसके इंफोटेनमेंट में भी आप अपने इसके AC वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, मोड्स वगैरह भाई यहाँ से चेंज कर सकते हो, एम्बिएंट लाइट को चेंज कर सकते हो, सनरूफ वगैरह भाई वो तो आपको पैनारोमिक पूरी मिल जाती है। जो भाई गाड़ी को ड्राइव कर रहे भाई उनका कहना है स्कॉर्पियो भी उन्होंने चलाई, भाई XUV700 भी चलाई, लेकिन इस गाड़ी में जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं और जो प्राइस रेंज पे आ रही है, और भाई आज के डेट में तो जुलाई में आपको इस पर डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल रहा है। टाटा की सफारी अगर आप लेने जाओगे ना जुलाई के महीने में, मतलब ये डिस्काउंट कब तक चलेगा वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर आप टाटा की सफारी लेने जाओगे भाई तो आपको 1 लाख तक का आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर भाई डीलर से अगर आपकी अच्छी जान पहचान है तो वो आपको और भी डिस्काउंट के बारे में बताएंगे। और भाई इसका जो 360 डिग्री कैमरा है ना, वो आपको 20 के स्पीड तक ही काम करेगा, उसके ऊपर भाई ये बंद हो जाता है। बाकी भाई इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए, और मेन जो इसका कैमरा क्वालिटी हो गया, इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गई, MID हो गई, फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील हो गया, पैनारोमिक सनरूफ हो गई, वायरलेस चार्जर हो गया, मोड्स वगैरह हो गया, और पूरा प्रीमियम जो इसका कॉकपिट दिया गया ना, काफी इंप्रेसिव है यार। और टाटा की गाड़ी है तो सेफ्टी वगैरह तो कोई भाई बंदा ही नहीं है, मतलब कि सेफ्टी तो आपको मिलेगी मिलेगी, 5-स्टार सेफ्टी रेटेड कार है यार। बाकी इंटीरियर इसका जो कॉकपिट दिया गया ना, काफी प्रीमियम, इसके गियर बॉक्स वगैरह या इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम ले लो, MID ले लो, पैनारोमिक सनरूफ ले लो, कैमरा ले लो, 360 डिग्री ले लो, फिर आपका इसका एडास वगैरह ले लो, भाई सब में गाड़ी अच्छी, ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह। इसके टॉप एंड वेरिएंट में भाई आपको 19 इंचेस का टायर्स देखने को मिलता है, इसका अलॉय डिजाइन भाई काफी अच्छा है ब्लैक में, और ब्लैक एडिशन अगर आप लेने जाओगे ना तो गाड़ी भाई और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बाकी कैसी लगी भाई आपको ये गाड़ी और कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मिलते फिर और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।